हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए, इवनिंग टाइम है और दिन है आज संडे, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं गार्डनिंग वाले चैनल पर। और सुबह सुबह आज मैं मंदिर गई थी इसी खुशी में कि आज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और ये टिक्का लगा हुआ है ना, तो मंदिर गए थे। फिर वहाँ से आने में, क्योंकि हम बहुत दूर गए थे आज मंदिर, श्याम बाबा के मंदिर में गए थे, और वहाँ से आने में लेट हो गया था। खाना मेरे से बना नहीं था उस टाइम, क्योंकि हमें वहाँ से आने में करीब 10 से 10:30 बज गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया और फिर इनका खाना दे के आई सोप पर। तो सोप पर मैं गई थी 12 बजे के आसपास गई थी, और 12:30 बजे हम आए। करीब आधा घंटा हमें लग गया था, और तो वहाँ से आके थक गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी बाहर, बहुत ही गर्मी और धूप। तो मैं आके लेट गई थी और सो गई थी। अभी उठी हूँ, 3 बजे हुए हैं। वैसे इतना जल्दी सोई नहीं थी 12:30 बजे, लेकिन लेट गई थी खाना खाकर। अभी उठे हैं, 3 बज चुके हैं। अब हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और आज बहुत ही खुशी का दिन है। इस दिन का मैंने बहुत दिन से इंतज़ार किया है, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, लेकिन भगवान की कृपा से आज यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी ज़रूर पहुँचेंगे, बस उसके लिए आप सबका साथ ज़रूर चाहिए। तो अब कर लेते हैं कुछ काम, क्योंकि अब मुझे पहले बनाऊंगी अपने लिए चाय। हाँ बेटा, नूडल्स। तो भाई, उन नूडल्स का ऑर्डर आ गया है, तो पहले चाय बनाएंगे, उसके बाद नूडल्स बनाएंगे। तो अब, और आज पार्टी करेंगे जम के। पार्टी तो बनती है, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो देखते हैं क्या पार्टी, बस अपने घर में थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। इसके डैडी कुछ लेके आ जाएंगे, वही सब आपके साथ शेयर करूंगी। व्लॉग काफ़ी मस्त होने वाला है, इसलिए व्लॉग को आप पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नूडल्स। और नूडल्स बनाने का भी ना एक तरीका होता है, अगर आप अच्छे से बनाओगे ना तो एकदम खिले खिले बनेंगे, और अगर आप ज़्यादा पानी इसमें डाल देते हो तो उससे क्या होता है कि वे एक जगह चिपक जाते हैं और बिल्कुल गुच्छों जैसे चिपके चिपके से हो जाते हैं। वो इतने ना तो देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही उन्हें खाने में इतना मज़ा आता है। तो अगर आपके पास एक पैकेट है, तो मैंने एक पैकेट में सिर्फ एक गिलास ही मैंने पानी डाला है, और एक गिलास पानी डाल के नूडल्स को कभी भी ज़्यादा तोड़िए मत और ज़्यादा चलाइए मत। हमें क्या करना है, पैकेट को पूरा इसमें ऐसे के ऐसे ही खोल के डाल देना है, और डालने के बाद तो इसमें हमें आधा चम्मच नमक डालना है। नमक वैसे आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। और लाल मिर्च डालने के बाद ना, आप इसमें थोड़ा सा चाट वाला जो मसाला होता है वो डाल दीजिए, और फिर इस सारे सामान को डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए जो इसके साथ मसाला आता है वही, हल्का हल्का सा इसको चला दीजिए, और चलाने के बाद इसको कवर करके रख दीजिए सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में आपके इतने बढ़िया नूडल्स बनकर तैयार होंगे, और वो भी खिले हुए। आप एक बार बीच में प्लेट उतार कर देख सकते हो पानी सारा इसके अंदर डीप हो गया है या नहीं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया वाले नूडल्स हमारे सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो गए हैं। जिसने नूडल्स खाया बताना कैसे लगता है पतंजलि वाले। ये मैगी नहीं है, नूडल्स है पतंजलि वाले। इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते ये, है ना? मैगी ज्यादा टेस्टी लगती है इनसे। तो गाइस, अभी मेरी मम्मा बना दिया खाना,
मेरे डैडी आने वाले हैं, मम्मा के 1 लाख सब्सक्राइब हो गया, आज हम करेंगे पार्टी करेंगे तो क्यों ना कल क्यों देखेंगे भाई, हाँ डल्ली तो कल क्यों देखेंगे भाई, आज ही देखेंगे ना, है नहीं भाई, इसलिए हम लोग को पूरा एंड तक जरूर देखते हैं। बाल वाला बहुत बका कर लियो। खाना बना रही हूँ। किधर है फेस, किधर है इसका फेस? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इधर ही दिखाई दे रहा है ना, पर किधर खाना बना रही हूँ क्योंकि डैडी आने वाले हैं ना। ठीक है, और रेडी लेके आ चुके हैं मेरी दवाई भी। ये किस चीज की दवाई है मैं नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स सीक्रेट है। मैक्स को तो बस डैडी आ गए, जवान नहीं खा रहे मैक्स को। तनी कौन था हमारे गांव में, वो कहता था कि ओ, कोई आ गया या ना लिया, वो जवान नहीं चढ़ गया है पूरा पीछे 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 पीछे। और जिस रूम में हम करने वाले हैं प्रिपरेशन, इस रूम में अथरो का बर्थडे बना था, ये हमारा स्पेशल रूम है, सारे स्पेशल फेस्टिवल इसी में होते हैं। मेरा फेवरेट है, इतना सॉफ्ट है कारपेट। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं, और इनके आने से पहले मैंने खाना बना के रख दिया था, और ये देखते हैं क्या लेके आए हैं मेरे लिए। मैंने इन्हें बता दिया था क्या लेके आए, क्या क्या लेके आए, लेके तो आए कुछ ना कुछ, लेके तो आए इतना सारा सामान है तो सही। इसमें क्या है, ये पैक्ड है, खोल के दिखा, खोल के दिखा। गाइस देखिए इसमें क्या निकलता है बेटा, ठीक है, ये है पेस्ट्री, खोल के दिखाइए क्या पेस्ट्री है, ये काजू पतली। वाओ काजू पतली। चलो पहले लड्डू जी को भोग लगाएंगे, पेस्ट्री को ही कट करेंगे आज, पेस्ट्री को केक की तरह डेकोरेट करो और पेस्ट्री को ही कट करेंगे, है ना। समोसे भी लेकर आएंगे, पार्ट लाए हैं, पार्टी होएगी यहाँ पर, ये डांस करो इधर, डांस करो, बल्ले 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 बल्ले। सबसे पहले लगाया जा रहा है यहाँ पर लड्डू जी को भोग, क्योंकि आज इनकी वजह से ही, बाबा श्याम की वजह से ही हमारे यहाँ तक आए हैं, 1 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट हुए हैं मेरे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इन्होंने भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, कभी भी, हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा। स्टार्टिंग में जब हमने चैनल शुरू किया था, बस तब ये बोलते थे कि अपना टाइम वेस्ट करती है, इनमें लगी रहती है, क्योंकि प्लांट में कितना ज़्यादा मेहनत होती है ये आप सभी को पता है। और अगर हम यहाँ तक आए हैं तो आप सबके सपोर्ट की वजह से, इसके लिए आप सबको जितना थैंक यू, थैंक यू तो एक छोटा सा शब्द होता है, लेकिन दिल से आप सबको धन्यवाद कि मैं आज यहाँ तक आई हूँ। और स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो बहुत से ऐसे कमेंट भी आते थे जो कि जिस सुन के ऐसा लगता है कि बस छोड़ दो, बस छोड़ दो, ये गलत है, ये वो, ऐसे कमेंट भी स्टार्टिंग में आते थे। कोई बोलता था आप गांव की हो, गंवार हो, बोलना नहीं आता है, ये वो। तो ये नहीं पता है कि गांव के भी इंसान ही होते हैं, गांव में भी इंसान ही रहते हैं, हम गांव के हैं तो क्या हो गया, शहर में, शहर का गांव का कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, वो तो भगवान सबके साथ होता है, सब इंसान ही, सही बात है, तो भगवान सबके साथ है हमेशा, गांव वालों के भी और शहर वालों के भी। लेकिन आज थोड़ा लेट हुआ है, थोड़ा लेट हम यहाँ तक आए हैं, अब मैं थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बदलाव लेके आने हैं व्लॉग में भी, व्लॉग में तो हम कर लेंगे, व्लॉग का तो चलता है, गार्डनिंग वाले चैनल पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे हम। तो देखिए लड्डू को हमारे भोग लग गया है, और ये लेकर आए हैं पेस्ट्री वगैरह, पता नहीं क्या क्या, मिल्क केक है और बर्फी है, काजू कतली है, बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। समोसे भी लेकर आए हैं, और मैंने खाना भी बना लिया था। क्या बोलिए,
गाइस ये तो खाना पीना हो गया है, अब खाएंगे अपना खाना। खाना भी थोड़ा बहुत खाएंगे, टीवी चला रखा है इन्होंने क्योंकि मैच आ रखा है टीवी में। और खाने में आज मैंने बनाया है आलू की सब्जी। आज मैंने आलू बिल्कुल फ्राई करके बनाए हैं, उबाल के, जैसे भंडारे में बनते हैं ना उबाल के आलू, इस तरीके से बनाए हैं क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ खाते हुए बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल अलग रेसिपी आज ट्राई की है। उसके साथ दही है ये यहाँ पर। तो अब खाना खाएंगे और काम करेंगे, अपनी किचन साफ करेंगे। रात हो गई है, 9 बज चुके हैं, ऐसे ही टाइम का पता ही नहीं चलता कब चला जाता है। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और आप अपना प्यार इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखना हमेशा, ताकि हम और आगे जा पाएं। 1 लाख हुए हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि 1 मिलियन भी होंगे। तो बस आप सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसके बिना तो यूट्यूब पर कुछ भी नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जैसे आपने मेरे गार्डनर वाले चैनल पर मुझको सपोर्ट किया, इस वाले चैनल पर भी सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री श्याम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।